आज का ज्योतिषीय विषय रहेगा 20 फरवरी सोमवती अमावस्या को मां करें अपने बच्चों का शीघ्र विवाह होने के लिए महाचमत्कारी उपाय। सोमवती अमावस्या का जो दिन होता है, इस दिन पृथ्वी लोक पर ग्रह नक्षत्र का विशेष प्रभाव बनता है, विशेष संयोग बनता है। ऐसी स्थिति में किसी भी लड़का या लड़की की विवाह के योग्य उम्र हो गई है और जहां कहीं भी शादी के रिश्ते के लिए बातें चलती है और बार बार ब्रेक होती रहती है, तो एक छोटा सा उपाय ध्यान रखें। सोमवती अमावस्या, सोमवार के दिन अमावस्या का संयोग बनता है तो कुछ विशेष स्थिति बनने लगती है भूमंडल पर। ऐसी स्थिति में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में विवाह में देरी कराने वाले बड़े से बड़े दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिन लड़के लड़कियों के विवाह होने में लगातार देरी बनी हुई है, लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा, वह स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता में से कोई भी इस उपाय को अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है, आप जरूर संपन्न करें, क्योंकि सोमवती अमावस्या का जो दिन होता है, ये दिन एक ऐसा संयोग बना देता है कि कुंडली में चाहे पितृ दोष के कारण, नजर दोष के कारण, मांगलिक दोष के कारण, गुरु चांडाल दोष के कारण, किसी भी प्रकार से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का मैरिज हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में होता यह है, जहां कहीं भी आप शादी के रिश्ते के लिए बातें चलाएं, सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसी कंडीशन में सोमवती अमावस्या का दिन आप जरूर याद रखें, 20 फरवरी को शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का ये महाचमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको करना है। जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, जिन्होंने अभी तक ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। विशेष बात, यदि आप मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपका विवाह कब होगा, आपका विवाह किससे होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो इस प्रकार की सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक करें, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 20 फरवरी सोमवती अमावस्या, शीघ्र विवाह होने का महाचमत्कारी उपाय किस प्रकार से करना है। यदि लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं, ध्यान रखें, या माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर रहे हैं, सूर्य उदय से पूर्व जरूर उठ जाएं। 20 फरवरी को सूर्य उदय से पूर्व उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करने के पश्चात शरीर पर जो भी इस उपाय को करे उस व्यक्ति को ध्यान रखें। यदि आप लड़के के लिए कर रहे हैं, आपके लड़के के विवाह होने में देरी बनी हुई है, आप उसके लिए कर रहे हैं, तो शरीर पर कोई भी श्वेत सफेद रंग का वस्त्र जरूर धारण रखें। लड़कियों के लिए किया जा रहा है तो पीले रंग का वस्त्र जरूर शरीर पर धारण रखें। बच्चा बच्ची स्वयं कर रहे हैं तब भी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र जो होता है लड़कों का जो विवाह योग बनता है, विशेष करके कुंडली में शुक्र ग्रह से बनता है, और शुक्र ग्रह जो होता है ये सफेद श्वेत रंग का प्रतिनिधित्व करता है, और लड़कियों का जो विवाह योग बनता है, कुंडली में जो कंडीशंस कैसी भी बने, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही विवाह का संयोग बनता है, और देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं ये पीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो खास करके जब हम विवाह से रिलेटेड कोई भी उपाय करें, लड़कों के लिए किया जा रहा है तो सफेद रंग का धारण करना बहुत उत्तम माना जाता है, लड़कियों के लिए किया जा रहा है तो पीले रंग का वस्त्र शरीर पर धारण करना बहुत शुभ और उत्तम माना जाता है। जब आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के लड़कों के लिए उपाय करने वाले हैं तो आप सफेद रंग का वस्त्र धारण रखें, लड़कियों के लिए करने वाले हैं तो पीले रंग का वस्त्र धारण करें, और आपको जाना होगा आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो उसके नीचे जाना चाहिए। एक शुद्ध जल का आप लोटा भर लीजिए, ये एक लोटे की ऐसी चमत्कारी विधि है, कहने सुनने में बहुत आसान और सरल है,
लेकिन कुंडली में विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले बड़े से बड़े दोष को सोमवाती अमावस्या के दिन, ये एक ही दिन बड़े से बड़े दोष को नष्ट करके जल्दी शादी होने का मंगलकारी संयोग बनाता है। एक शुद्ध जल का लोटा आप भर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा कच्चा दूध आप डाल लीजिए और उसके अंदर आपको सफेद तिल कहीं से भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, सफेद तिल मिला लीजिए, 8-10 दाने सफेद तिल के डाल लीजिए। उसके अंदर एक पतासा या चीनी डाल लीजिए। इस प्रकार से मीठा जल का आप मिश्रण तैयार कर लीजिए। उसके अंदर एक डाब का टुकड़ा डाल लीजिए। डाब को जैसे कुछ लोग दुर्वा भी बोलते हैं, इसको घास जैसा ये पार्ट आता है, पूजा पाठ की सामग्री जो लोग रखते हैं वहां पर आपको मिल जाएगा। उस लोटे में एक डाब का, दुर्वा का आपको टुकड़ा मिला, टुकड़ा आपको एक छोटा सा, कोई ज्यादा बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, एक नाम मात्र छोटा सा डाब का, इसको कुशा भी बोलते हैं, कुशा के नाम से बोलते हैं, डाब के नाम से बोलते हैं। जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है उस समय हम आटे में जल में इसको रखते हैं। तो आपको, आपने समझ लिया होगा कि मैं किस डाब की बात कर रहा हूं। पूजा पाठ की सामग्री वालों की सामग्री रखने वालों के पास ये इजीली आपको प्राप्त हो जाएगा। यह डाब का टुकड़ा उस लोटे में डाल करके आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। ध्यान रखें, इस मिश्रण को यदि आप घर पे तैयार कर लेते हैं, बच्चा बच्ची स्वयं नहीं कर रहे हैं और माता पिता यदि बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो इस लोटे को घर पे ही तैयार कर लें। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो उसको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा करें और क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए आप उसके ऊपर, ठीक है। लड़का लड़की कहीं दूर रहते हैं, उपस्थित नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उस लोटे को घर पे तैयार करके घर के पूजा स्थान में रख के उसके शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लें। और यदि स्वयं लड़का लड़की कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्वयं तैयार करके पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे और अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना करते हुए वो जल पीपल के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। पीपल के पेड़ की जड़ में समर्पित करने के बाद में जो आपकी कामना है, आप प्रार्थना करें श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से, श्री राधा गोविंद भगवान से, भगवान भोलेनाथ से कि मेरे कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण दोष है, कोई भी दोष है, उसको समाप्त करके मेरे जीवन में शीघ्रातिशीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बने, ऐसा आशीष मुझे प्रदान करें। माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए सच्ची शिद्दत से, सच्ची एक भाव तन्मयता के साथ वहां पर प्रार्थना करें। आसन लेके बैठ सकते हैं तो 2-5 मिनट बैठ भी सकते हैं, बैठने की जगह नहीं हो तो खड़े खड़े आप प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद सरसों के या तिल्ली के तेल का एक चौमुखा दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, प्रज्वलित करें। और ध्यान रखें, सोमवती अमावस्या के दिन इस क्रिया को करने के बाद, सबसे पहले बात तो है कि इस क्रिया को आप दोपहर के 12 बजे से पहले पहले कर देना, ठीक है। और ये चौमुखा दीप प्रज्वलित करने के बाद आसपास में कहीं पे भी आप देख लीजिए, गौ माता की सेवा आप जरूर करिए। जिसने इस उपाय को किया है, यदि माता पिता ने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए किया तो माता पिताओं को करना है, लड़का लड़की स्वयं ने अपने शीघ्र विवाह के लिए किया है तो स्वयं को करना है। आसपास में कोई भी गौ माता हो वहां पर जाना चाहिए, हरा चारा, हरी घास और गुड़ गौ माता को खिला करके गौ माता से आशीर्वाद लेते हुए मन ही मन कामना कर लेनी, आपको मन ही मन भावना करनी कि हे गौ माता, मेरी कुंडली में जो भी दोषकारक स्थितियां बनती है उसका शमन हो जाए, जल्दी से जल्दी मेरे जीवन में विवाह के लिए मंगलकारी संयोग बन जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये सोमवती अमावस्या का दिन, हो सकता है कि ये एक ही दिन सारी जितनी भी समस्या आपके कुंडली में ग्रह दोष के कारण बनी हुई है, जो कि विवाह में बाधाएं उत्पन्न कर रही है लगातार आपके साथ, तो ये एक ही दिन आपके शीघ्र विवाह होने का योग बना सकता है। यदि आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मेरे को यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियाँ हमेशा प्राप्त करनी है तो अभी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लगातार मैरिज से जुड़ी हुई सटीक जानकारियाँ पाराशरी ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमेशा लेकर के मैं उपस्थित रहता हूँ। यदि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, देखते रहे आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।